विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारंभ। फाउंडेशन ऑफ लाइफ की थीम को लेकर कन्या महाविद्यालय में बच्चों को किया जा रहा प्रशिक्षित। आज की बेटी कल की माँ बेहतर तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर सकेगी जब उसे यह मालूम होगा बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो। ऐसा एक तरीका हमारे वैज्ञानिकों ने खोज लिया है और वह है माँ का दूध। माँ का दूध अगर बच्चे को पैदा होने के पहले घंटे दिया जाए तो वह पीला दूध इन सारी बातों को आपके बच्चे में पूरा करने में सबसे बड़ा सहायक होता है। इसीलिए पुरानी मान्यताओं को नकारते हुए हर हालत में बच्चे को माँ का दूध पहले घंटे से ही देना प्रारंभ करना चाहिए और यह सिलसिला लगातार 6 माह तक अपनाना चाहिए। ऐसा करके जहाँ बच्चों को बुद्धिमान, बलशाली बनाने के साथ दीर्घायु बनाया जा सकता है, वहीं पूरी दुनिया में बच्चों के पैदा होते ही होने वाली मृत्यु दर को रोका जा सकता है जो अभी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इस बार के विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम फाउंडेशन ऑफ लाइफ रखी गई है। इस कड़ी में वार्ड 22 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चे सहित वार्ड में रैली निकालकर विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान को बढ़ावा देने, जागरूकता फैलाने का कार्य किया। ये हमारे यहाँ ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, हर साल की तरह से ये यहाँ पे मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है छात्राओं को अवेयर करना, क्योंकि यही छात्राएं जब जाके आगे प्रेगनेंसी और केयर लीड करेंगी और जब इनके डिलीवरी होगी तो बच्चों का लालन पोषण कैसे करना है और पूरे प्रेगनेंसी में कैसे स्वस्थ रहना है, इसकी इनको एडोलेसेंस से इनको इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। ये अपने स्वयं की जागरूकता के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार में जो आपकी भाभियाँ हैं, बहन हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, उन सबको भी ये जागरूक करें जिससे कि ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से सफल हो सके। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में गृह विज्ञान विभाग के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह की कार्यशाला का प्रारंभ हुआ है। ये कार्यशाला 1 से लेकर 8 तारीख तक संचालित की जाएगी और इसमें स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, जो यह आहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माँ का दूध जो है उसके संपूर्ण विकास के लिए न केवल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किस चीज़ को देखी, ये स्तनपान दिवस के बारे में 1 से 7 तक चलेगा कार्यक्रम, तो उसी के उसमें है 0 से 6 माह के बच्चों को जो है वो माँ का दूध पिलाना चाहिए, यही सब उसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ ले जा रही है बच्चों? ये हम लोग यहाँ से पूरा ये 22 वार्ड घुमाते हुए डॉक्टर कॉलोनी होते हुए फिर घर निकल जाएंगे।